नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, यह जो वीडियो है यह उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो उत्तराखंड DLED की 2020 की परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, 2020 की परीक्षा देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड DLED का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, एग्जाम पेपर, उसको सॉल्व करा रहे हैं, जिसके प्रारंभिक जो 100 प्रश्न हैं वह हम पहले पार्ट में करा चुके हैं, जिसमें कि 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 50 प्रश्न रीजनिंग के थे। अभी जो बचे हुए बाकी 100 प्रश्न हैं उनको हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आज की जो इस वीडियो में 100 प्रश्न होने वाले हैं उसमें से 50 प्रश्न तो गणित के हैं और 50 प्रश्न जो रहेंगे वो रहेंगे चाइल्ड पेडागोजी जो होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसके 50 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न जो रहेगा वह रहेगा दोस्तों, दो संख्याओं का लसपा उसके मसपा का 10 गुना और लसपा व मसपा का योग 176 है, यदि उनमें से एक संख्या 80 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों, बहुत आसान होगा। इसके लिए मैं बता दूं आपको, फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हम मान लेंगे HCF माना x है तो LCM कितना हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू 176। बस इस फॉर्मूले में अगर हम इस पूरे उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों संख्याओं का योग। तो LCM हमारे पास दे रखा है 10 गुना किसका, HCF का। तो माना HCF x है तो LCM कितना हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू 176 भी हमें दे रखा है। बस इस फॉर्मूले में अगर हम पूरे को रखेंगे, इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 32। इसका आंसर आ जाएगा 32, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि अंडर रूट 1 प्लस फिर उसके नीचे अंडर रूट x है इज इक्वल टू 3 हो तो x का मान क्या होगा। दोस्तों, इसका जो इसमें हम जो रखेंगे, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, जो हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3 है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा और इसके पूरे के बाहर स्क्वायर लगेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 9। तो अगर हम इस एक को इधर ले जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 8, और फिर दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करें तो इसका आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, ऑप्शन डी। तीसरा जो प्रश्न है वह है, संख्या 69 के लिए रोमन संख्या क्या होगी। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो 50 को हम L से डिनोट करेंगे, फिर जो 50 को हम अगर हम L से डिनोट करते हैं तो बाकी के 29 के लिए जो हमें 19 के लिए जो हमें नंबर लिखने होंगे वो ये होंगे। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो वह है, वर्ष 2016 में किसी नगर की जनसंख्या 17.3 मिलियन है, तो यह जनसंख्या निम्न में से किसके बराबर होगी। तो दोस्तों, एक जो मिलियन होता है 10 लाख के बराबर होता है, तो आप लोग इसका 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, एक टंकी के 3/5 भाग की धारिता 1800 लीटर है, तो उसके आधे भाग की धारिता क्या होगी। तो पहले तो हमें पूरी टंकी की धारिता निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो धारिता हमें दे रखी है वो है टंकी के 3/5 भाग की। तो पूरी टंकी की धारिता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जो ये 1800 है इसको हम गुणा कर देंगे 5/3 से। तो ऐसा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 लीटर पूरी टंकी की धारिता है, तो आधे भाग की क्या होगी, 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो है, यदि 27 to the power x इज इक्वल टू 9/3 to the power x, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों, हमें पहले यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो 27x है, 27 to the power x है, इसको हमें 3 की पावर में लिखना होगा। तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर क्यूब। ठीक है, 3 क्यूब का इज इक्वल टू फिर 9 है, फिर ये जो 3 है इसको हम लिख देते हैं एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स। तो अब जो ये हो जाएगा हमारे पास 3x लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा,
तो जो ये 27 to the power x है, इसको हम 3 की घात में लिखेंगे, तो ये जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है, तो ये जाएगा बराबर 9 बटे, ये तो है ही 3x। तो अगर हम इस 3x को ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी इसको हमें 3x लिखना पड़ेगा, तो इसको अगर हम इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3 to the power 3x इंटू 3 to the power x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3 to the power 4x इज इक्वल टू, फिर इस 9 को भी हमें 3 की पावर में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 4x इज इक्वल टू 2। अब इस x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2 बाई 4, तो यह आ जाएगा 1/2। तो इसका हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यह है, यदि किसी माह का तीसरा सोमवार 15वां दिन है, तो माह का 5वां दिन क्या होगा। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, माह का 5वां दिन अगर हम उसको उल्टी गिनती करें 7-7 दिन करके, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं, तो प्रथम पंक्ति और 10वीं पंक्ति के बीच कितनी की दूरी होगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन बी 90 मीटर, टोटल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, यदि 2160 को 1/3, 1/4 और 1/6 के रेशियो में बांटा जाता है, तो पहले हिस्से का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास ये टोटल जो हमारे पास ये नंबर है, ये जो नंबर है हमारे पास 1/3, 1/4, इसका हम एलसीएम निकाल देंगे, तो नीचे जो जितने हर हैं इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 12। पर जब 12 इनका हर आ जाएगा, तो हम इनका ऊपर भी तो फ़र्क पड़ेगा, तो ऊपर जो रहेगा वो रहेगा 4+3+2 और ये हो जाएगा 12। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कुछ 240। और अगर हम उसे फिर, क्योंकि पहले की जो मान है वो हमारे पास 224 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 960, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, यदि किसी संख्या के 200% का मान 90 है, तो उसका 80% कितना होगा। अगर आप इसको करेंगे तो मान लिया जाए कोई संख्या का अगर मान 200% है, तो उसका 100% कितना होगा, जाहिर सी बात है, सॉरी 200% का मान 90 है, तो 100 का मान कितना होगा, 45। और अगर हम 45 का 80 निकालें, 80% निकालें, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर देगी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, चाल बराबर दूरी बटे समय का अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी सही आंसर हमारा आ जाएगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वह है 5, 3, 9, 7, 8 और 1 की माध्यिका क्या होगी। दोस्तों माध्यिका के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, n+1/2। तो n+1, n यानी मतलब जो हमारे पास टोटल नंबर है, और बाई 1, तो हमारे पास जो टोटल नंबर है वो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 हमारे पास टोटल नंबर है, और 1/ अगर हम सॉरी हमारे पास जो टोटल नंबर है वो है हमारा 6 संख्याएं हैं, तो 6 जो अब इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6+1/2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3.5। अब जो हमारे पास दिए गए ये टोटल जितने भी अंक हैं, इनको हम अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, ठीक है, 7, 8 और 9, ये हमारे पास नंबर है। अब 3.5 हमारे पास आए, तो 1, 2, 3 तो ये हो गया, और 0.5 मतलब इसकी जो अगली संख्या होगी, तो अगली संख्या क्या होगी, 5 के बाद 6, तो हम इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं से 3 गुने के बराबर हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 13 सही 1/3 वर्ष। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है, एक संख्या के चौथे भाग व पांचवें भागों का योग तीसरे भाग से 28 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। वह संख्या होगी वह हो जाएगी दोस्तों, जैसे कि प्रश्न में कह रहा है, एक संख्या के चौथे भाग यानी जो हो जाएगा वो जाएगा x/4 प्लस फिर संख्या के पांचवें भाग यानी x/5, और ये कितना है, तीसरे भाग से 28 अधिक है यानी x/3+28। अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी 240। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्या में 9:4 का अनुपात है, यदि उनके आयतन समान हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप देख लेना
इसका जो सही आंसर आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास 16:81। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अपने, जो है यदि दो नल एक टंकी को क्रमशः दो और चार घंटों में अलग अलग भर सकते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय। तो दोस्तों हम बात करें तो एक नल जो है, तो यानी ये हो जाएगा इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा 1/2 + 1/4। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा 4 और हो जाएगा इधर हमें 2 को गुणा करना पड़ेगा तो 2 + 1 यानी ये हो जाएगा 3/4। तो अब अगर हम इसका वो निकालें तो हो जाएगा भिन्न उलट जाती है, 3/4 आया था तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 × 60 = 60 मिनट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 20/80। तो हमारे पास जो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो वह पूरी टंकी को 80 मिनट में भर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 18 सेमी कोर वाले दो घनों को सिरे से सिरे मिलाकर जोड़ दिया गया है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 3240 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है x^c (a) × x^c (a) × b (x^a) - (b)×c। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें जो करेंगे, x को तो हम ले लेते हैं, फिर हम इनकी जो पावर है उनको हम खोल देंगे, मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें जो पावर है तो वो हमारे पास निकल जाएगी x^ab - ac। फिर हमारे पास निकल के आ जाएगा +cb - ab। फिर हमारे पास निकल के आ जाएगा +ac - bc। और ये सब एक दूसरे से कट हो रहे हैं, ये cb bc कट हो जाएगा, सॉरी जो हमने अभी निकाल के किया था वो था x^ab - ca + cb - ab + ac - bc। तो अगर हम देखें तो ये सब एक दूसरे से कट हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी हमारे पास x^0। और अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1, सही आंसर इसका हो जाएगा। चित्र में यदि O वृत्त का केंद्र है तो चित्र में x का मान कितना हो जाएगा। इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास x का मान जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा b 50 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जो है दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -40 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो 72 आ जाएगा, अगर आप करके देखेंगे ऑप्शन रख के भी तो भी ये इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ करना है नहीं। किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो होता है परिधि का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr। तो हमें दे रखा है 2πr = 3 और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो इस जो ये जो परिधि का जो फॉर्मूला है इससे हमें r की वैल्यू निकल जाएगी। तो r की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, r बराबर हो जाएगा हमारा 2/3π हमारा r की वैल्यू निकल जाएगी। अब अगर हम इसे πr² में अगर रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास निकल आ जाएगा 9/4π। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 9/4π। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यदि 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25 का औसत 15 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन करेंगे हम इसमें एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, यानी ऊपर जितने अंक हैं सभी का टोटल और हम ऊपर कितने अंक हैं अगर हम उससे भाग दे देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 12। अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा वो है √5 + 1 / √5 - 1 - √5 - 1 / √5 + 1। तो इसको हम दोस्तों पहले अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, जो हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा √6 और नीचे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √4। और इधर अगर हम इसको सॉल्व करें हमारे पास आ जाएगा माइनस, ऊपर हो जाएगा √4 और नीचे हमारे पास आ जाएगा √6। इसको अगर हम पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा, हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया तो हमारे पास ऊपर जो हमारे पास बचा वो बचा √6 / √4 -
और दूसरी तरफ बचा अंडर रूट 4 बाई अंडर रूट 6। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाल इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमें एलसीएम लेना होगा। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 6, और ऊपर हमारे पास कितना बचेगा, एक तरफ बचेगा 6, एक तरफ बचेगा 4, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 2 बटे नीचे बचेगा 2 अंडर रूट 6, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बाई अंडर रूट 6 इसका हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 6। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कैसे बनेगा, हमारे पास पाँच से एक पासे में 5 से छोटी जो संख्याएँ होती हैं वो हो सकती हैं टोटल 4, और कितने में से, 6 में से। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3, उसकी प्रायिकता होगी 2/3। अगला प्रश्न जो है, 3 दिनों का कितना प्रतिशत जो है 18 घंटे होगा। दोस्तों अगर हम निकालें तो 3 दिन में टोटल 72 घंटे होते हैं, और अगर हम ऑप्शन भी रखें तो इंटू 25, ठीक है ना, तो 72 का जो 25% आ जाएगा वो आ जाएगा 18 घंटे, यानी 18 घंटे जो होते हैं 3 दिनों का वो 25% होते हैं। अगला प्रश्न है, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, और उस संख्या के दोनों अंकों का योग भी 5 हो। तो ऐसी केवल दोस्तों एक संख्या, एक 11 से 50 के बीच में केवल एक संख्या आती है, वो होती है 50। ये जो है पूरी पूरी विभाजित भी होती है 5 से, और इन दोनों अंकों का योग भी 5 होता है। अगला प्रश्न जो है, 10 सेंटीमीटर वर्षा होने पर 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का आयतन कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1000, क्योंकि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10000 होते हैं, तो 10000 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1000 बचेगा, ठीक है, तो 1000 घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पार्क को 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 10 सेकंड। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, व्यंजक -1^(-1^3)^4 और डिवाइडेड बाई 5^-1 +4^-1। तो इसका जो हमारे पास, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि अगर एक की पावर, अगर यदि -1 की जो पावर होती है अगर वो कोई इवन नंबर में होती है तो उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी ऊपर हमारे पास बचेगा 1, और नीचे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास, मतलब जो 5^-1 है उसको हम 1/5 लिख सकते हैं, और प्लस 4^-1 को 1/4 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 1, ये आएगा 9/20। तो इसको हम पूरे को अगर हम उलट दें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20/9। तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 20/9। प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग है। दोस्तों प्रथम चार अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, प्रथम जो अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होगी 3, फिर होगी 5, फिर होगी 7। तो हमारे पास जो निकल के सही आंसर आ जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 17। यदि एक त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 13, 14 और 15 है तो इसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें दोस्तों हमें एक हीरोन्स एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अगर हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और वो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अंडर रूट एस, ये अंडर रूट जो है पूरे के ऊपर रहेगा तो एस, और यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस ए इंटू, ये हो जाएगा एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और ये एस क्या होगा, जो ये एस होगा ये होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ए प्लस बी से हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे, और उस एस की वैल्यू को अगर हम इन सब में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा, और जो होगा 336 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक 15 और माध्यिका 15 होता है उसका मान क्या होगा। तो जो माध्य होता है वो होता है बहुलक और प्लस माध्यिका डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 15 + 15/2, तो ये फिर आ जाएगा 15। हमारे पास ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दी गई भुजाओं की मापों में से किस माप से त्रिभुज संभव है। तो दोस्तों केवल ऑप्शन सी जो है, इन मापों से कोई त्रिभुज संभव है। अगला प्रश्न जो हमारा होगा वो होगा, 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी में क्या अनुपात होगा। तो दोस्तों पहली जो कंडीशन है उसमें अगर हम देख लें तो हमारे पास टोटल हमारे पास 70 लीटर पानी है, और जो अनुपात है वह 4:1, 4:1 मतलब 5।
तो अगर हम इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 14, यानी हमारे पास एक पार्ट कितना निकल के आ रहा है, 14। तो पहले कंडीशन के हिसाब से हमारे पास 14 चौक 56, यानी 56 लीटर हमारे पास दूध है और उस 14 लीटर हमारे पास पानी है, मतलब टोटल 70 में से हमारे पास 56 लीटर दूध है और 14 लीटर पानी है। अब दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि हमने 7 लीटर पानी और मिला दिया, तो दूध तो एज इट इज रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं, हमने इसमें 7 लीटर और पानी मिला दिया, जो कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 56/21 नई इक्वेशन आ गई। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7×8=56 और 7×3=21, यानी 8:3 हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास जो लाभ प्रतिशत हमेशा जो निकलता है वो निकलता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 9, 9 वस्तुओं के बराबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/9×100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सही आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 11 सही 1/9%। कक्षा में लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या के 4 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती, तो वो ऑप्शन सी 42 कभी नहीं हो सकता। बाकी के अगर आप सॉल्व करके देखें तो आपको निकल के आ जाएगा, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 40 में से तो 8×32, यानी 8 अगर टोटल हमारे पास लड़कियों की संख्या 4 गुनी है, यानी हमारे पास जो लड़के हैं लड़कियाँ होंगी वो 8 होंगी और इसका 4 गुना यानी 32, और इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 40, तो पहला ऑप्शन तो सही बैठ रहा है, वैसे ही 42 का हो जाएगा और 50 का हो जाएगा, तो हमारे पास जो सही आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 42 नहीं हो सकती कुल संख्या। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योग में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों संयुक्त भिन्नों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 717/40। अब इसमें हम कितना जोड़ें कि ये एक पूर्ण भिन्न पूर्ण संख्या बन जाए, तो इसमें हमें 3/40 और जोड़ना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा 720/40 और हमारे पास निकल के आ जाएगा 18 सही आंसर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब एक मेज को 600 रुपये बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितने रुपये में मेज को खरीदा गया था, तो मेज का मूल्य क्या होगा। तो इसमें अगर हम लाभ प्रतिशत का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा सही उत्तर, 200। ठीक है, तीसरे प्रश्न अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यदि पी अनुपात क्यू बराबर 3/4 और यदि पी अनुपात क्यू बराबर यानी पी अनुपात क्यू सॉरी क्यू बराबर 3/4 और क्यू अनुपात आर सॉरी ये क्यू है क्यू अनुपात आर बराबर 8/9, तो पहले हमें इनमें से कॉमन दिख रहा होगा, हमारे पास कॉमन है क्यू, क्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब दोनों इक्वेशन में हमारे पास क्यू है, तो क्यू को हम पहले बराबर करेंगे। तो हमारे पास पहली जो कंडीशन है अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें और दूसरी कंडीशन में अगर हम 1 का गुणा कर दें तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 9/6 और इसका जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2 हमारे पास सही आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 3/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा अंडर क्यूब रूट 7/875 का मान क्या होगा। दोस्तों अगर हम इसको पहले क्यूब रूट के अंदर ही सॉल्व करें तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, जो ये टोटल हमारे पास जो भिन्न है ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये अंडर क्यूब रूट है और ये आ जाएगा 125। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, क्यूब रूट को अगर हम हटाएंगे तो ये 1/5 इसका सही आंसर आ जाएगा, तो 1/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि एक आयताकार एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसका जो हमारे पास x/y यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल, यानी ये कितना है अभी 100% है, तो अगर हम इन दोनों को 2 गुना कर दें तो ये सब मान लिया जाए एक भुजा इसकी 10 है तो ये हो जाएगा 10×10=100। तो अगर हम इनको दोनों को 2 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20×20 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, तो बढ़ाने के बाद 400 है, पहले 100 था, कितने की वृद्धि हुई, 300 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 300%। अगला जो प्रश्न है वो है 2/3×3/5/6 / 1 सही 1/4 का 2/3,
तो कुछ करना ही नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी 2 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण है। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनेगी जिसमें हम एक बार तो हम लेंगे दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो एक बार हम इसको लेंगे x प्लस वाई, दो संपूरक कोण मान लेते हैं x और y है, और तो हम इनको मान लेते हैं एक बार x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और एक बार क्योंकि दोनों के बीच का अंतर हमें दे रखा है तो x माइनस वाई बराबर 44। तो इसको अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगी, जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी ऑप्शन सी 68 सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक धातु से बने, इनको पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है, तो घन की भुजा क्या होगी? तो घन की जो भुजा निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमारे पास दो चित्र दिए गए हैं जिनका हमें देखना है, और उसके आधार पर हमें अगले दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना है। तो अगर आप देख पाएंगे तो पी खाद्यान्नों पर क्यू से ज़्यादा खर्च करता है, तो पी में अगर आप देखेंगे खाद्यान्न है और क्यू से ज़्यादा खर्च तो नहीं करता है क्योंकि क्यू तो अपने पूरे खर्चे का आधा जो है खाद्यान्न पर खर्च कर रहा है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन बी है क्यू कपड़े और किराए पर समान रूप से खर्च करता है, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि क्यू जो है वो कपड़े पे अपना 50% का आधा, यानी हमारे पास लगभग 25% कपड़े पे खर्च कर रहा है, और पी भी जो है कपड़े पे 25% खर्च कर रहा है, तो ये भी हमारे पास सही निकल के नहीं आता है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो पी का किराए एवं कपड़े पर खर्च क्योंकि खाद्यान्न पर खर्चे के बराबर है, तो अगर आप देख रहे होंगे किराए और कपड़े का जो खर्च है पी का वो 50% है और क्यू का खाद्यान्न का 50% है, तो बराबर हो गया हमारे पास, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसका मान अधिकतम होगा? तो आप देखेंगे दशमलव के बाद एक से पहले जितने अधिक शून्य होंगे उतना मान उसका घटता जाएगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के, तो इनमें बहुत ज़्यादा शून्य हमारे पास आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास निकल के आ जाता है सही उत्तर। अगला जो प्रश्न है वो है अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144 का मान क्या होगा? तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52, और इसको अंडर रूट 144 का जो मान होता है 12, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर ये 64 हो जाएगा, ये बचा हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 248 प्लस 8 बराबर, तो ये हो जाएगा 256, और 256 जो होता है वो 16 का क्यूब है, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी से आंसर निकाला जाएगा। अगला प्रश्न है, अलमारी को उसके अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर 5225 रुपये में बेचा जाता है, तो अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम इसका अगर हम उसको 5% बट्टा देते हैं तो वो हमारे पास निकल के आ जाएगा, टोटल जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 275, यानी 275 हमने उसमें से टोटल उसको डिस्काउंट दिया, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? तो जो 5225 है इसको अगर हम उसमें 275 जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा जो सही आंसर वो आ जाएगा 5500, ऑप्शन सी 5500 इसका सही उत्तर है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार जिसने कुल मतों के 84% वोट प्राप्त किए, वह दूसरे उम्मीदवार से 476 वोट के अंदर से जीता, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के इसका आंसर आ जाएगा 700 हमारे पास कुल मत पड़े जिसमें से जो 84% वोट प्राप्त किए वाला जो कैंडिडेट है वो जीत जाता है। 150 में जो हमारा प्रश्न रहेगा वो है, एक वृत्ताकार तार जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर है को काटकर फिर से मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी भुजाएं 9.7 के अनुपात में है, आयत की चौड़ाई कितनी होगी? तो दोस्तों उसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो आयत की जो वो भुजा आ जाएगी, आयत का जो चौड़ाई आ जाएगी वो आ जाएगी 77 मीटर। तो दोस्तों ये है हमारे पास डीएलएड के पेपर में पूछे गए 50 प्रश्न गणित के, तो काफ़ी डाइवर्स है गणित में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी डाइवर्सिटी के साथ पूछे जाते हैं, आप इसको नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, हर प्रकार के प्रश्न आपको, सिंप्लीफिकेशन और हर प्रकार के जो आपको प्रश्न है, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो हर प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा मॉडरेट टू इजी, और इजी टू मॉडरेट का पेपर है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछे गए हैं, आपको ध्यान से देखना है, और अगर आप एक बार ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है और कैसा इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।